नमस्कार, मैं मिताली मोहंती, व्याख्याता अर्थशास्त्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समुदाय विकासखंड आरंग से। वास्तव में साथियों, हम यहाँ पर निष्ठा कार्यक्रम क्या है और इसमें कौन कौन से मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल से हमने क्या सीखा, इस बात को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि वास्तव में निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स एडवांसमेंट, यह कार्यक्रम बच्चों के समग्र विकास की बात करता है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के व्यावसायिक विकास करना है। इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीखने के प्रतिफल एवं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र को शामिल किया गया है। साथ ही यह नेतृत्व प्रबंधन, शिक्षण सामग्री और शिक्षण शास्त्र की बात भी करता है। साथियों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोगों ने कुल 13 मॉड्यूल को अटेंड किया था और जिनमें 12 मॉड्यूल जिसे हम जेनरिक कोर्स या मुख्य विषय कह सकते हैं, जिनमें प्रमुख जो मॉड्यूल है वह है पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा, शिक्षण पठन पाठन एवं मूल्यांकन में आईसीटी की भूमिका, कला समेकित शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को समझना, शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास, विद्यालय आधारित आकलन और साथ साथ विद्यालय में जो जेंडर, जो लैंगिक मुद्दे हैं, उन बातों को इन मॉड्यूल में 12 मॉड्यूल के अंतर्गत कही गई है। इसके अलावा जो 13वां मॉड्यूल है जिसे हम पेडागॉजिकल कोर्स कहते हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, उर्दू और गणित विषयों को शामिल किया गया है। तो साथियों, इसमें जो सबसे प्रमुख मॉड्यूल जो मुझे लगा वह है पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा। पाठ्यचर्या वास्तव में इसकी जो अवधारणा है वो बहुत अधिक व्यापक है, अर्थात स्कूल के अंदर एवं बाहर हम जो भी गतिविधि करते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, वह सभी पाठ्यचर्या है। और पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो समावेशी शिक्षा की बात की गई है उसमें खासतौर पर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनको कैसे चिन्हांकित करनी है, उसके लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम होने चाहिए, उनको पढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं और उनका असेसमेंट कैसे किया जाए और उसके लिए कौन कौन से शिक्षण सामग्रियों का उपयोग किया जाए, इस बातों को प्रमुख तौर पर जोर दिया गया है। क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ साथ जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चे, उनको भी सभी बच्चों के समान, सभी को शिक्षा देनी है और समान शिक्षा देनी है, इसलिए यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात की गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। दूसरा है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए जो हम पेडागॉजी के तौर पे परंपरागत तरीकों के अलावा जो हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं वह भी बहुत ही सार्थक और प्रभावशाली है। इसके अलावा विद्यालयीन शिक्षा में जो नई पहले की गई है जिसमें खासतौर पे आरटी के अंतर्गत, आरटी 2009 के अंतर्गत जो 25% सीटें हैं वो कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा एसएसए 2000 की भी बात करता है। इसके अलावा विद्यालय शिक्षा में जो नई पहलों के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बात, साथ साथ यूडाइस, पुस्तकालय और समग्र शिक्षा के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा इसमें जो खासतौर पर जो आत्मरक्षा की बात की गई है जिसमें 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए आत्म सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया है और विद्यालय पोषण कार्यक्रम भी एक लागू किया गया है जिसमें बच्चे बागवानी और प्रकृति के प्रति जागरूक रहे। इसके लिए भी जो विद्यालय में जो नई पहले जो लागू की गई है उस पर बात की गई है। साथ साथ जो विद्यालय में जो लैंगिक मुद्दों की जो बात की गई है जिसमें हम पुरुष और महिलाओं को जो समाज के द्वारा जो भूमिका दी गई है जिसे हम जेंडर कहते हैं और उस जेंडर के अंतर्गत सिर्फ पुरुष और महिला को शामिल नहीं किया गया बल्कि ट्रांसजेंडर की भी बात की गई है कि ऐसे कौन कौन से इनके सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक समस्याएं हैं और एक शिक्षक होने के नाते हमें कैसे इस मॉड्यूल को जानकर समझकर कैसे उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। तो साथियों, हम देखते हैं कि इसके अलावा इसमें खिलौना आधारित शिक्षा की भी बात की गई है जिसमें खिलौनों के माध्यम से हम किस तरह से अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी कर सकते हैं। और कुल मिलाकर अगर साथियों हम कहें तो वास्तव में ये जो ऑनलाइन मोड पे जो पोर्टल, दीक्षा पोर्टल में जो हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, ये सभी मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और सार्थक है और इसे हम सभी ने प्राप्त किया है। बशर्ते इस मॉड्यूल से जो हमें जानकारी मिली है और जो समझ बनी है उसको हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्कूली शिक्षा पर, विद्यालय शिक्षा पर उसको कैसे लागू करें और कैसे उसका सार्थक परिणाम देखें। धन्यवाद।